हाय गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो फिर आप लोग? तो अच्छे ही होंगे जैसा कि मुझे लगता है। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये खड़ा है जिशान यहाँ पे। अब आप सोच ही रहे होंगे कि यहाँ पे जिशान पेपर्स लेकर के क्या कर रहा है। न्यूज़पेपर है इसके हैंड में। जिशान क्या करने वाले हो न्यूज़पेपर का? ओके, और इसका क्या करने वाले हो? अच्छा, सलाइन का। सो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ सोच रखा है। गिर कैसे गए बेटा, खड़े हो जाओ। पेपर्स को देख करके सभी लोग सोच रहे हो कि मुझे पता है कि क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो आज बैठे हुए तो बैठे बैठे एक दिमाग में ख्याल आ गया कि भाई अगर एक पेपर होगा, नैना को भी नहीं पता कि आज करने क्या वाले हैं, इसलिए सुन रही है बस कि क्या करने वाले, क्या करने वाले। जैसे आज जैसे पता लग जाएगा ना तो ये करना शुरू कर देगी, उसके बाद फिर ये रुकेगी नहीं, फिर ये करना शुरू करेगी। समझ रहे हो गाइस? तो इसलिए क्या है, पहले बता देता हूँ। बेसिकली देखो, पेपर देखा होगा आप लोगों ने। पेपर क्या होता है? पेपर में आपने सुना भी होगा कि बचपन में हम लोग कई बार सुनते थे कि भाई एक पेपर को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते, और करके भी देखा होगा कई बार पेपर को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड, मतलब करने की कोशिश की होगी कि 7 से ज़्यादा बार फोल्ड होता है कि नहीं होता है। तो वही आज कोशिश कर रहे हैं कि क्या 7 से ज़्यादा बार फोल्ड होता है या नहीं हो सकता है, या फिर सिर्फ 7 बार फोल्ड होता है जैसा कि हमने बचपन में भी सुना है। तो एक बार वही चीज़ करके देखते हैं। आप समझ में आया ना क्या करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको? अब जिशान, आपको भी समझ में आ गया? जिशान, हाँ। क्या करने वाले समझ में आ गया? गेम खेल ना। अरे गेम नहीं खेलना बेटा, आज 7 बार फोल्ड करना है पेपर को। क्या 7 बार ज्यादा फोल्ड कर सकते हो? 7 टाइम्स, 1 2 करके दिखाओ। 1 2 क्या? 1 2 3 4 5 6 7। सो इसकी गिनती चलती रहेगी, लेकिन हम 7 बार फोल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा बार हो सकता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, पता लग जाएगा। और यहीं पे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी से ही लाइक एक बार दबा दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा लगेगी, मुझे पता है पक्का 100% वीडियो अच्छी लगने वाली है ये वाली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमें पता लगेगा कि लाइव कैसे क्या है, कि भाई हम लोग कितने बार फोल्ड कर सकते हैं किसी पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। एक हमारे पास है ये वाला पेपर, ये थोड़ा सा मोटा पेपर है जो कि हम लोग कई बार चार्ट वार्ट में यूज़ करते हैं। ये भी A4 साइज़ है। इसको देखेंगे कि इससे हमको ये पता लगेगा कि भाई कौन सा पेपर कितने बार फोल्ड होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा पेपर कितने बार फोल्ड होता है। उसके बाद गाइज हम कोशिश करेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर हमारा कितने बार फोल्ड होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा पतला है और थोड़ा बड़ा भी है। तो देखते हैं ये कितने बार फोल्ड होता है। और उसके बाद गाइज हम लोग शायद बहुत बड़ा पेपर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। इन सब न्यूज़पेपर्स को हम लोग जोड़ने वाले हैं, और जोड़ करके हम लोग फिर बनाने वाले हैं एक बड़ा न्यूज़पेपर, और उससे फिर पता लगेगा कि शायद कितना क्या वो कितने बार फोल्ड होता है। तो ये सब चीज़ें हम एक बार देखेंगे कि कितने बार कौन सी चीज़ फोल्ड होती है, और फिर हमको पता लगेगा असलियत में कि क्या न्यूज़पेपर या फिर कौन सा पेपर 7 टाइम्स फोल्ड होता है, या फिर उससे ज़्यादा बार भी फोल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग A4 साइज पेपर से, A4 साइज का पेपर। जिशान आपको फोल्ड करना है, मम्मा फोल्ड कर रही है, आ जाओ आपको करना था। ओके 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 ओके, जिशान कर रहा है अभी। ये पहला फोल्ड लगाया जिशान ने, और अभी दूसरा फोल्ड लगाने जा रहा है। जिशान बिल्कुल ना, देखो ऐसे नहीं, अच्छे से फोल्ड नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि ढंग से। हाफ हाफ करके देखो, पैग मम्मा का देख लो, मम्मा को देख लो एक बार, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके अच्छे से। हाँ आप कर, अब करो, इस पे लिखते जाओ नैना कि 1 टाइम फोल्ड हो गया, 1 एक बार फोल्ड हो चुका है, अब दूसरी बार फोल्ड करो। हाँ ये तो मैच करो। एक बार मम्मा को फोल्ड करने दो, फिर आप इस वाले को फोल्ड करना, ठीक है जीशान? चलो मम्मा को फोल्ड करने दो। लो गाइस, ये 3 बार फोल्ड हो चुका है, और अब करते हैं ऐसे 4 टाइम फोल्ड। ये 4th टाइम फोल्ड हो गया, और अब करते हैं ऐसे 5th टाइम फोल्ड। ओके ओके जीशान को करने दो। चलो ये 5th टाइम, 5 लिखो जिशान इस पे, वेरी गुड। अब करो जिशान इसे 6 टाइम फोल्ड, देखो कॉर्नर कॉर्नर 6 टाइम फोल्ड। अब जिशान इसे 7 टाइम फोल्ड करो, 7th,
सो गाइस यहाँ पे लोचा होने वाला है, 7 टाइम फोल्ड हो चुका है, अब इसको 8th टाइम फोल्ड करके दिखाओ। चलो जिशान 8th टाइम फोल्ड करो, करो 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 करो, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या जिशान? नहीं हो रहा। चलो मम्मा को ट्राई करने दे एक बार। मम्मा 8th टाइम फोल्ड हो रहा है, 8th टाइम फोल्ड हो रहा है, चेक करो। हाँ 7 तो हो गया था, 8th करो। सो गाइस बहुत मुश्किलों के बाद भी हमारा 8th टाइम फोल्ड नहीं हो रहा है, ये अच्छे से नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसे 7 टाइम फोल्ड कह सकते हो आप, 8 टाइम फोल्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये 7 टाइम फोल्ड हो गया है यहाँ पे, और ये बड़ी मुश्किल भी हो रही है तब भी हम इसको नहीं कह सकते कि हमारा 8 टाइम फोल्ड हो रहा है। सो गाइज अभी हम चेक करते हैं मोटे चार्ट पेपर पे। ओके गुड, चलो बैठो, अभी आप करो, अभी दूसरी बार फोल्ड करो। अच्छा करो, आप करो, लेकिन बिल्कुल बेटा डॉट टू डॉट, कोई नहीं बैठने दो, कोई नहीं। चलो मम्मा को दिखा दो बेटा एक बार पहले कैसे, कहाँ तक, मम्मा कॉर्नर कॉर्नर मैच कर देगी, फिर आप इसको फोल्ड कर देना, ठीक है? ये 1 1 लिख दो नैना, इस पे 1 लिखो बड़ा, ठीक है? अब सेकंड टाइम फोल्ड करो, जल्दी करो सेकंड टाइम फोल्ड, हाँ कॉर्नर से कॉर्नर मैच करो, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करो, हाँ थर्ड टाइम फोल्ड करो, 3 लिखो, ये 3 टाइम्स फोल्ड हो गया, यस। अब 4 टाइम मम्मा करके देती रहेगी, तू लिखता रही हो, अब इसको 4 टाइम फोल्ड करो जिशान, वेरी गुड। फोर टाइम्स फोल्ड हो गया, अब 5th टाइम फोल्ड करो, 5th, ये 5th है, 5, अब 6, 7, सो गाइस देखो यहाँ पे 7वीं बार भी फोल्ड करने में कितनी मुश्किल हो रही है, उसमें हमने 7 टाइम तो थोड़ा इजीली फोल्ड कर दिया था, 8 टाइम में 8 टाइम हो ही नहीं रहा था, 8 टाइम मतलब ना के बराबर ही कह सकते हो आप उसे, वो आधा भी फोल्ड नहीं हुआ, तो ये 7 भी आधा आधा मतलब बहुत ही मुश्किल से फोल्ड हो रहा है 7 भी, मतलब 8 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइज इसमें देख लिया हमने कि जितना मोटा पेपर होगा शायद उतना ही मुश्किल होता है उसको फोल्ड करना है। भाई न्यूज़पेपर की बारी, सो न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हैं। जिशान आप अपना न्यूज़पेपर फोल्ड करो, मम्मा अपनी करेगी, कितने बार फोल्ड होता है चेक करेंगे। तो चलो आप यहाँ पे करो बेटा, आप यहाँ करो, अच्छा अच्छा अच्छा, आप मम्मा इधर आ जाओ भाई, जिशान को इस तरफ कर ले दो। चलो स्टार्ट करो भाई, सो लेट स्टार्ट, 1 जिशान 1 टाइम फोल्ड करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, 1 टाइम फोल्ड करो, सो ये 1 टाइम फोल्ड हो गया, 2nd टाइम फोल्ड करो, 2nd टाइम, वेरी गुड, है ना, 3rd टाइम फोल्ड करो, ओके, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7 टाइम, और अब 8th टाइम। सो गाइज यहां पे न्यूज़पेपर को हम 8 बार फोल्ड कर पाए हैं, देखो आपके सामने है गाइस, देखो 8 बार फोल्ड हो चुका है न्यूज़पेपर, 8 टाइम्स हो गया ना, सो गाइस 8 टाइम्स पूरी तरीके से, देखो गाइस फुल्ली पूरी तरीके से इसे कह सकते हो आप कि ये पूरी तरीके से फोल्ड हुआ है 8 टाइम्स। सो ये बात हो गई है, मतलब
कि भाई ये 7 times एक पेपर फोल्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। तो 8 times भी फोल्ड हुआ है पेपर, मान के चल सकते हैं हम लोग। जितना पतला पेपर होगा उतना ही टाइम्स वो ज़्यादा फोल्ड हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। और जितना बड़ा पेपर होगा उतनी ज़्यादा बार फोल्ड हो सकता है, क्योंकि हाफ हाफ फोल्ड कर रहे हैं, तो जितना बड़ा और जितना पतला पेपर होगा उतने बार वो फोल्ड हो सकता है ज़्यादा। मतलब हाँ, रेशियो बहुत कम है, 7 से ज़्यादा मुश्किल होती है, 8 times, 9 times, फिर रेशियो बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत बड़ा चाहिए जाकर के पेपर, तब जाके आप 9 times फोल्ड कर पाओगे। अभी 8 times हमारा हो पाया, देखो ये 8 times, ये प्रॉपरली कोई हमने कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, देखो 8 times में ये आसानी से फोल्ड हुआ है 8 times में, ये देखिए तो आराम से फोल्ड हो रहा है 8 times तक, कोई इशू नहीं आ रहा। ऑलरेडी रात हो चुकी है, हम लोगों ने थोड़ा लेट बनानी शुरू की थी क्योंकि आज सुबह ही मनाली से आए हैं, तो मनाली से आने के बाद फिर हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था, तो बस थोड़ा बहुत खाया पिया और आज थोड़ा सा आराम भी किया है, तो थक गए। ऐसे बैठे बैठे एक आइडिया आ गया था दिमाग में, तो हमने सोचा चलो यार करके देखते हैं, तो इसलिए करके देख रहे हैं। तो चलो गाइस, अभी हम बड़ा सा न्यूज़पेपर बनाते हैं, बड़ा सा न्यूज़पेपर बना करके फिर चेक करते हैं कि हम लोग उसको कितने बार फोल्ड कर सकते हैं। इसको तो 8 times फोल्ड कर दिया हमने न्यूज़पेपर को, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं। चलिए निकालिए, टेड है देखो न्यूज़पेपर्स को जोड़ने के लिए। जिशान, सिल्वर वाली टेप से नहीं जोड़ेंगे हम, दूसरे वाली टेप से जोड़ेंगे, हमारे पास दूसरी है ना, सिल्वर वाली। बेटा इसके लिए यूज़ नहीं होती, सिल्वर वाली हैवी टेप होती है, हैवी, उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ प्लीज, अच्छा चलो कोशिश करेंगे, इसको भी लगाएंगे कहीं कहीं पे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। नैना, 2-3 न्यूज़पेपर्स को जोड़ करके बड़ा न्यूज़पेपर बनाएंगे। चलो न्यूज़पेपर बिछा लो, आओ टेप लगाओ अच्छे से, ठीक है, इसको लगा करके अच्छे से बनाओ, फिर हर जगह टेप लगाओ जिशान। सो गाइस, देखो कितना बड़ा न्यूज़पेपर ये है जो रेडी कर रहे हैं अभी। सो ये पूरे न्यूज़पेपर को फोल्ड करके देखेंगे बड़े को, कि भाई ये कितने बार फोल्ड होता है, फिर एक्चुअल हमारे को पिक्चर नज़र आ जाएगी कि कितने बार एक न्यूज़पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, काम चालू है यहाँ पे टेप लगाने का। नैना को हमने काम पे लगा रखा है, बड़ा सा न्यूज़पेपर बना दिया पहले। जिशान, लग गया टेप पूरी, कितनी रह गई, लगाओ लगाओ लगाओ, बस बस हो गया, चलो चलो ऑलमोस्ट डन है, चलो अभी फोल्ड करना शुरू करो। रात होगी गाइस, तो थोड़ा साफ कम आएगा, तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना इस वीडियो के लिए। चलो स्टार्ट करो नैना। जिशान, मम्मा के हेल्प कराना, जिशान मम्मा की हेल्प करना, ठीक है, चलो एक साथ उठाओ दोनों। हाँ उठाओ 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 उठाओ, हाँ ले आओ, करो फोल्ड। ये पहला फोल्ड हो गया है गाइस, यहाँ पे सेकंड फोल्ड, नीचे इस साइड से आ जाओ, उस साइड से आओगे, चलो मम्मा की साइड जाओ। हाँ सेकंड फोल्ड करो, दोनों कॉर्नर पकड़ो बेटा अच्छे से, करो करो डालो। ये 2 फोल्ड हो चुके हैं गाइस, तो प्रॉपर तरीके से 2 फोल्ड हो चुके हैं। चलो थर्ड फोल्ड, ये थर्ड फोल्ड हो चुका है, तो ये 3 फोल्ड हो चुके हैं। 1 minute, वहां पे पेन लिख कर लेके लिख दो इसमें 3 फोल्ड्स हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। हाँ अभी 4th फोल्ड, जिशान वेरी गुड, हाफ फोल्ड है ये 4th वाला भी, वेरी गुड, ये हो चुका है गाइस 4th फोल्ड। 4 लिखो बेटा इसमें, 4 लिख दो, 4 लिख दो, ओहो 4। अब 5, 5th फोल्ड मारो, ओके ओके ये हो गया 5th। बेटा अच्छे से करने दो, ये तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो काम नहीं हो पाएगा जो हम करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। 5th फोल्ड, अब करो 6th फोल्ड। सो अभी गाइस दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, देखो 6th फोल्ड में भी पेपर कितना बड़ा है गाइस, यहाँ पे अभी भी हमारे पास रूम है कि हम लोग इसके अंदर 7 और 8 भी आराम से कर सकते हैं, बाकी देखते हैं गाइस, क्योंकि मोटा भी हो चुका है, दिखाओ थोड़ा सा मोटा कितना हो गया, अरे काफ़ी मोटा हो गया भाई जी। तो चलो अभी करते हैं 7th फोल्ड, जिशान करो हाफ फोल्ड अच्छे से बेटा, अच्छे मम्मा को करने दे बेटा एक बार हाफ फोल्ड। हाँ चलो हाँ ऐसे कर दो अच्छे से, हाँ अच्छे से लगा के, वेरी गुड, ये हो चुका है गाइस 7th फोल्ड। 7 लिखो जिशान इस पर अच्छे से बेटा, कॉर्नर मैच करने दो मम्मा को, तो ये हो चुका है 7 फोल्ड। अब 8th फोल्ड करो,
एट्थ फोल्ड, नाइन्थ फोल्ड करो, नाइन्थ फोल्ड नहीं होगा वैसे, हो जाएगा मम्मा को तो फिर मम्मा करेगी। हाँ करो, नाइन्थ फोल्ड गाइज, नाइन्थ फोल्ड भी आराम से जब जिशान ने कर दिया है इट मीन्स नाइन्थ फोल्ड हो चुका है गाइज, आराम से हो गया, इट मीन्स बड़े न्यूज़पेपर में नाइन्थ फोल्ड पॉसिबल हो गया। हम कहाँ सेवन फोल्ड के चक्कर में थे। देखो गाइज, न्यूज़पेपर का नाइन्थ फोल्ड जिशान ने किया है ये। सो गाइज अगर जिशान कर सकता है तो इट मीन्स आराम से हो रहा है ये सेवन्थ फोल्ड। सो अब करते हैं इसका सॉरी नाइन्थ फोल्ड, अब इसका करते हैं टेंथ फोल्ड। अगर कोशिश करते हैं टेंथ फोल्ड भी हो जाए गाइज तो मजे आ जाएंगे। नाइन्थ फोल्ड गाइज आराम से हो गया है, इम्पॉसिबल। चलो कोशिश करो, लगो दोनों लगो, जिशान को दो, जिशान ही कर सकेगा। जिशान रेडी, जिशान गो फॉर इट, करो गाइज। सो गाइज अभी जाके कमेंट के अंदर आप लोग इस पे लिख दो कि क्या ये नेक्स्ट फोल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। चलो टेंथ फोल्ड करने की मैं कोशिश करता हूँ, नैना ने और जिशान ने तो बहुत कोशिश कर ली, अब करता हूँ मैं एक बार कोशिश। जिशान एक बार दिखाओगे पापा को। गाइज ये था नाइन्थ फोल्ड जो कि जिशान ने ऑलरेडी कर रखा था, अब हम कोशिश करते हैं इस पे टेंथ फोल्ड करने की। जिशान सीधे बैठो बेटा, क्या वो पॉसिबल है या नहीं? नहीं गाइज बिल्कुल भी ये अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक थिकनेस आ गई है गाइज, तो इस थिकनेस की वजह से ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डाल लो फिर फट जाएगा, यहाँ से उखड़ जाएगा ये, तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि इसको हम टेंथ फोल्ड करें। बट नाइन फोल्ड गाइज देखो कितने अच्छे से और कितने अच्छे से आसानी से हुआ है नाइन फोल्ड। गाइज कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, मजा आया कि नहीं आया? आया ना मजा? तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आएगा ऐसे ही वीडियोस के अंदर। और बनाएंगे कुछ ऐसी वीडियोस और, कोशिश करेंगे बनाने की, और देखते हैं कुछ अलग कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, एंटरटेनिंग बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा। बोल लो गाइस, हंस लो पहले हंस लो या तो बोल लो। गाइस ये पागल हो गई है, हंसी जा रही है। क्या नीचे करने जा रहे हो? सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना ना भूले। और ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्राई करना, इसको ट्राई करके देखना, फिर बताना कि आप लोगों से कितने बार फोल्ड हुआ। वैसे हम लोगों से तो इतने बार ही फोल्ड हुआ ये, तो 9 times भी इट्स नॉट बैड, 7 times सोच रहे थे गाइज, 8 times हमने बड़े वाले न्यूज छोटे वाले न्यूज पेपर को किया जो कि एक सिंपल न्यूज पेपर है सिंगल वाला, फिर जोड़ कर करके देखा तो देखो 9 times हो गया, और हो सकता है कि आप लोग 10 times भी कर पाओ, तो बताना जरूर कि कितने बार फोल्ड कर पाए हो। जितना पतला पेपर होगा उतनी ही बार फोल्ड होगा। हाँ जितना मतलब यही है, मतलब ये कह सकते हो आप प्रोपोर्शनलिटी में कि जितना पतला होगा और जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा बार फोल्ड हो जाएगा हाफ हाफ में। चलिए गाइस मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड अपना प्यार ऐसे ही देती रहिए। तो चलिए गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय। okay, रात हो चुकी है, अब जा रहे हैं, खाना वाना खाते हैं, सोते हैं आराम से, चलो बाय। न्यूज़पेपर से बेटा खेल लो, सफाई के काम आएगा भी न्यूज़पेपर, कुछ नहीं कर सकते इसका हम। और मम्मा स्लाइन के साथ खेल रहे हो बे? छोटी सी कैट। ये स्लाइन वहीं से लेके आए थे दो फ्रेंड्स मनाली से, देखो क्या हाल कर दिया इसका स्लाइन का। चलो गाइस ठीक है, इसका बैलून फ्लप। हाँ।